देश में गायों के नाम पर होते शोर के बीच लंपी वायरस का कहर इतना बढ़ गया है कि करीब 1,00,000 गौवंश की मौत इस वायरस से अभी तक हो चुकी है। 23 सितंबर तक ये वायरस 15 राज्यों में फैल गया है। न्यूज़ क्लिक रिकॉर्ड्स के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लंपी वायरस क्या है, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है और ये इतना घातक कैसे हो गया। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार ₹50 और महंगा बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि लंपी वायरस है क्या। लंपी वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस यानी LSDV से फैलता है। LSDV जिस फैमिली का है उसी फैमिली के वायरस गोट पॉक्स, शीप पॉक्स और मंकी पॉक्स भी हैं। जैसे मंकी पॉक्स में इंसानों के शरीर पर बड़े फोड़े होते हैं, लंपी वायरस में जानवरों के शरीर में गांठें जैसी पड़ जाती हैं। ये वायरस ज़्यादातर गायों, भैंसों या गौवंश के अन्य जानवरों में फैलता है। भारत में इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गाय ही है। 2021 में आई यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि LSD एपिडेमिक की तरह ही कई सालों के गैप में फैलता है, यानी जैसे कोरोना वायरस जैसी महामारी 100 सालों के बाद आई थी ठीक वैसे ही। FAO की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि ये बता पाना मुश्किल ही है कि इतने सालों तक ये वायरस जिंदा कैसे है। भारत में लंपी वायरस के नए वेरियंट्स आने से जानवरों में इसका खतरा और तेज़ी से बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने 23 सितंबर को आंकड़े जारी किए हैं जिनके अनुसार लंपी वायरस अब तक देश के 15 राज्यों के 251 जिलों में फैल चुका है। 20,00,000 से ज़्यादा जानवर इससे संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 97,000 से ज़्यादा जानवरों की मौत हो गई है। आप देखिए कि जब सरकार ने पिछला डेटा जारी किया था यानी 3 हफ्ते पहले तक इस वायरस से मारे गए जानवरों की संख्या करीब 48,000 की थी, यानी 3 हफ्ते में मरने वाले जानवरों की संख्या दोगुनी हो गई है। अब जानते हैं कि किन किन राज्यों में जानवर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। राजस्थान में इस वायरस से 60,000 से ज़्यादा जानवरों की मौत हो गई है। आप याद कीजिए बीकानेर का वो वीडियो जहां एक खुले मैदान में जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इसके बाद है पंजाब जहाँ 17,700 से ज़्यादा जानवर, गुजरात में करीब 5,800, हिमाचल प्रदेश में करीब 5,000 और हरियाणा में 2,600 से ज़्यादा जानवरों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में इस वायरस का नया वेरिएंट मिला है। बेजुबान जानवरों की होती बेरहम मौतों के बीच इंसानों के बीच एक सवाल कॉमन है। वो सवाल ये है कि संक्रमित जानवरों का दूध पीने से उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आपको बता दें कि ये वायरस जूनोटिक वायरस नहीं है, तो ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैल सकता, मगर जानवरों का कच्चा दूध पीने से बचने की सलाह एक्सपर्ट्स ने दी है। आप ये भी समझिए कि हालत ठीक नहीं है बल्कि बदतर ही होती जा रही है। इसी बीच गुजरात में गौशाला चलाने वालों ने सरकार पर फंड ना रिलीज करने के आरोप लगाए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। रविवार को 1750 गौशाला चलाने वाले प्रदर्शन में शामिल हुए, इसमें करीब 3,50,000 गौवंश रहते हैं। आलम यह हुआ कि उत्तरी गुजरात के बनासकांठा में गाय सड़कों पर सरकारी दफ्तरों के बाहर घूमती दिख रही थी। आवारा घूमती गायों का मतलब है आर्थिक नुकसान। उन किसानों का क्या जिनकी आजीविका गायों पर निर्भर थी। सरकार आगे क्या कदम उठा सकती है, इन सभी विषयों पर हमने बात की वैज्ञानिक सत्यजीत रथ से। पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। इसका इस बीमारी का जो वायरस है, विषाणु है, वो कई सालों से हम उसके साथ वाकिफ हैं। अफ्रीका में, एशिया में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिणी एशिया में पिछले कई सालों से बार बार इस विषाणु के उद्रेक होते आए हैं। अब गायों में जब ये बीमारी होती है तो एक गाय से दूसरी गाय तक बीमारी पहुंचती है, और जितनी गायें एक दूसरे के साथ हों और जितनी करीब हों उतनी आसानी से बीमारी फैलती है। तो जाहिर है कि छोटे अस्पतालों में, छोटे छोटी गौशालाओं में, छोटे किसानों के कारोबार में ये फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और तकरीबन वैसा ही हुआ है। यूं नहीं है कि ये बीमारी पहले से ज़्यादा घातक हुई है, ये बीमारी पहले से कम ज़्यादा मात्रा में घातक थी। उसमें थोड़ी बात ये भी है कि गाय की बीमारी होने के पहले की सेहत कैसी है, इस पे भी थोड़ा निर्भर करता है कि क्या गाय की मौत होगी या नहीं। लेकिन उससे बढ़कर भी दो अलग अलग बातें हैं। एक तो गाय दूध देना बंद करती है जब ये बीमारी जकड़ ले,
और कभी कभार कुछ समय के लिए बांझ भी बन जाती है। तो जाहिर है कि जिन छोटे किसानों के गवालों के घरों में जहां रोजगार दूध पे बछड़ों पे चलता है उन पे बहुत बड़ा आर्थिक असर पड़ना है। तो इसलिए सिर्फ मौत नापने से काम नहीं बनेगा, आर्थिक हानि जो हो रही है वो भी नापनी पड़ेगी और सरकार से सवाल ये पूछने होंगे कि क्या काफी विकेंद्रीकृत तरीके से ये जो आर्थिक हानियां हैं ये नापी जा रही हैं या नहीं। दूसरी बात, इसके लिए कोई आसान इलाज तो है नहीं सिवाय इसके कि गाय की देखभाल करें और बीमारी से बच निकले तो खा पी के उसको सुस्त करने की उम्मीद रखें। तो टीके लगवाने चाहिए, लेकिन टीके लगवाने के लिए बड़ी मात्रा में टीकों की उपलब्धियां चाहिए, टीके मौजूद होने चाहिए, टीके फैलने चाहिए जहां तक वहां तक जिन पशुवैद्यकीय अस्पतालों में लोग गायें ले जाएंगे वहां तक टीकों का फैलाव होना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में अभी तक नहीं हो रहा। तो सरकार से एक ओर से सर्वेलेंस की मांग करनी चाहिए, सर्वेक्षण की मांग करनी चाहिए, दूसरी ओर नुकसान के लिए जो कुछ सरकार ने मुआवजा देना है वो सिर्फ गाय की मौत पे नहीं लेकिन गाय के दूध देना बंद करने से या बछड़े ना होने से होने वाले नुकसान का भी मुआवजा होना चाहिए। और तीसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पर जो सरकार ने पहले करना चाहिए था जो अभी तक किया नहीं है वो करना चाहिए, वो ये है कि टीके बाहर से लेने चाहिए क्योंकि देश में टीके तो मौजूद नहीं है, हालांकि टीकों की तकनीक मौजूद है। तो जहां से हो सके टीके पर्याप्त मात्रा में लाके छोटे छोटे गांव गुरुद्वारों तक पहुंचने चाहिए। ये बिल्कुल संक्षेप में एक तरीके से देखने का नजरिया हमने और मांगे करने का नजरिया हमने रखना चाहिए। लंपी वायरस से जानवरों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन भी की जा रही है, उन्हें गोटपॉक्स नाम की वैक्सीन लगाई जा रही है। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने लंपी प्रोवैक IND नाम की वैक्सीन को लॉन्च करने की बात कही तो है, मगर उसमें 4-5 महीने का समय लग सकता है। न्यूज़ क्लिक में हमारी कोशिश रहती है कि हम हर उस मुद्दे को उठाएं जो आपकी स्क्रीन से गायब है। ऐसा करने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। हमें सब्सक्राइब करें, हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ। शुक्रिया।